साधकों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि आप सभी साधक 28 जनवरी तक हमें बताएं कि आप सब साधक किसी जगह एकत्र होकर के हमें बुला लें। बहुत से साधकों ने मेल करके और मैसेंजर के द्वारा पूछा हुआ है कि गुरुजी आपका शिविर कब होगा, कहाँ होगा, हमें ज़रूर सूचित करें। तो मैं थोड़ा बता दूं कि बहुत से साधकों ने प्रयास किया शिविर कराने का, मगर कुछ न कुछ अवरोध आता रहा या कहीं न कहीं कुछ बात नहीं बन पाई, इसलिए इतनी देर हो गई। दिल्ली के दो साधकों ने चाहा कि मैं दिल्ली में ही शिविर कराऊँ, दोनों साधक प्रयासरत रहे मगर बात नहीं हो पाई। कोटा राजस्थान से भी एक साधक ने प्रयास किया, इसके बाद भी कुछ बात नहीं बन पाई, समय बढ़ता गया। इसी प्रकार यमुनानगर हरियाणा से भी एक साधक ने प्रयास किया, उसके बाद जरा कुछ ऑफिस से संबंधित कोई रुकावट आ गई, इसलिए देर हो गई। इसी बीच में एक दिल्ली के साधक हैं समर महापात्रा, उनके भी संदेश आए मेरे पास। तो फिर बाद में समर महापात्रा की राय ही हमें अच्छी लगी या बात बन गई। तो समर महापात्रा जी इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, यानी शिविर करा रहे हैं, वही जिम्मेदारी ले रहे हैं। शिविर हरिद्वार से थोड़ा आगे रायवाला में अरविंदो आश्रम में होगा, अथवा दूसरे शब्दों में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में राय वाला है, वहीं पर अरविंदो आश्रम है, उसी में प्रोग्राम होगा। ठीक है, उस आश्रम को समर महापात्रा जी, रवि जी, दिलीप साहू और रजनीश ये देख आए हैं। इन्होंने बताया कि व्यवस्था अच्छी है, आश्रम अच्छा है, जगह है, शांत है। हमसे राय मांगी, उन्होंने कहा ठीक है चलो वहीं कर लेते हैं। तो शायद को मैं समय भी बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में अपना अगला शिविर वहीं पर होगा। हाँ, थोड़ी मैं जानकारी आप सभी को मैं ये देना चाहता हूँ। बहुत से साधकों के संदेश आए हुए हैं कि गुरुजी मैं कुंडलनी जागृत करवाना चाहता हूँ और शक्तिपात भी करवाना चाहता हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण एक निश्चित अवस्था में ही होती है, अर्थात साधक जब कठोर परिश्रम करता हुआ आंतरिक विकास करता है, एक उचित अवस्था आती है, तब कुंडलिनी जागरण होती है। और बहुत से साधकों ने मुझे मेल किया है कि मैं कुंडलिनी जागरण करवाना चाहता हूँ। तो मैं उन साधकों से कहना चाहूँगा, पहले कठोर अभ्यास करो और किसी अच्छे गुरु के पास जा कर के या अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लो, इसके बाद इस विषय में सोचो। जो ये शिविर होगा भाई, उसमें कुंडलिनी जागरण का प्रोग्राम नहीं रखेंगे, ना ही शक्तिपात का रखेंगे। शिविर इसलिए करा रहे हैं कि आप सभी ने कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल मिलिए। हाँ, शिविर में ध्यान के विषय में सभी प्रकार की बातें होंगी, ध्यान किया जाएगा, प्रश्नोत्तर होंगे, अर्थात जो साधकों की शंका होगी उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। पिछले जो भी शिविर हुए हैं उसमें थोड़ा अवरोध आता था। कुछ साधक ऐसे आते थे जिन्हें बहुत क्रियाएं होती थी, यहाँ तक कि आवाज़ें भी जोर जोर से निकालते थे। जैसे यमुनानगर हरियाणा में एक साधक तो बहुत ज़ोर से चीख देता था या आवाज़ निकालता था। तो ये तो एक ऐसा अवरोध है जिसे मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो साधक दूर दूर से आते हैं समय निकाल करके, समय को यानी बड़े मुश्किल में यानी अपनी छुट्टियां ले करके और पैसे खर्च करके आते हैं वहाँ तक, तो ऐसे साधकों के लिए थोड़ा अवरोध होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिन साधकों को विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो ऐसे साधक ना आए, क्योंकि उनसे डिस्टर्ब होता है। जो अच्छे साधक हैं उन्हें भी डिस्टर्ब होता है। हमारे पास शिकायत आई है और फीडबैक में बहुत साधकों ने लिखा है कि यहाँ जो क्रियाएं होती हैं लोगों को, उससे हमें ध्यान नहीं लगा तो आने का लाभ ही क्या होगा।
कुछ साधक ऐसे भी आते हैं जिन्हें रोग होता है। यमुनानगर वाले साधकों को याद होगा कि एक साधक को क्या हो गया था, मैं कैमरे में नहीं बताना चाहता। तो ऐसे साधक को स्वयं अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ रोग ठीक करवाएं। ऐसे शिविरों में नहीं जाना चाहिए, अगर कोई बात हो जाए तो शिविर बदनाम होता है कि वो शिविर में गया था वहाँ ऐसा हो गया। किसी के कहीं पर कोई बीमारी होती है, लोग सोचते हैं कि चलो योगी के पास जाएंगे हमारी बीमारी दूर होगी। मुझे बांदी कुई के याद आ रहा है कि एक साधक ने तो हमारा बाजू ही पकड़ लिया और पीठ में हाथ भी लगा दिया था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उम्र भी उसकी काफ़ी थी। हमारे ये समझ में नहीं आता है कि हम साधना के विषय में बताते हैं, यानी योग के विषय में बताते हैं, ना कि हम रोग को ठीक करते हैं। भाई रोग को अगर ठीक करवाना है तो डॉक्टर के पास। अर्थात अगर सिर्फ साधक इसलिए आना चाहता है कि मेरा रोग ठीक होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे साधक ना आए। हम सिर्फ साधकों को ही बुलाना चाहते हैं। जो साधक सिर्फ अपना रोग ठीक कराने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि मेल करके ही बताया कि हमें ये परेशानी है, हमारा अगर रोग ठीक कर दें आप इसके बाद में साधना करूँगा, तो ये रोग ठीक करने का कार्य तो डॉक्टर का है, आप डॉक्टर के पास जाइए। और ये मैं सिर्फ साधना के विषय में ही बताता हूँ, यानी सहज ध्यान योग के विषय में बताता हूँ और प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, तो ऐसे साधकों से मैं माफ़ी चाहूँगा। अर्थात किसी को कोई रोग है या बहुत ज़्यादा क्रियाएँ हो रही हैं, जिनको क्रियाएँ हो रही हैं तो अपने जो गुरु या मार्गदर्शक है, जहाँ से ऐसी क्रियाएँ शुरू हुई हैं या उनके जिनके मार्गदर्शन आप करते थे, उनसे ठीक कराइए। अन्य दूसरे साधकों का डिस्टर्ब ना करें, यानी अवरोध ना डालें, क्योंकि दो दिन का ही समय है, उसमें थोड़ा बहुत ध्यान होगा। जब क्रियाएँ होती हैं तो दूसरे साधकों का ध्यान नहीं लगता है। शायद ऐसे साधक समझ गए होंगे जिन्हें क्रियाएँ होती हैं। मैंने तो एक साधक को ऐसा भी देखा था कि जब मैंने उसे ठीक बिठा दिया, वो बल्कि फिर क्रिया करने लगा, अपना हाथ पीछे करके क्रिया करने लगा। हमारा कहने का मतलब, ध्यान के समय जो साधक रीढ़ सीधी करके बैठ लेता वो कुछ समय तक, शायद उसके लिए ही शिविर है। अब आप सोचते होंगे कि शिविर कब है, तो शिविर का भी समय बताई देते हैं आप लोगों को। अरविंदो आश्रम रायवाला हरिद्वार पहुंचना है 23 मार्च को। 23 मार्च को दोपहर तक अरविंदो आश्रम आप पहुंच जाएं। 24 मार्च को वहां पर शिविर होगा। 25 मार्च को शाम के 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। शाम के 6 बजे जब कार्यक्रम बंद होगा तो आश्रम को खाली करना पड़ेगा। अर्थात 23 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च, 23 मार्च के दोपहर से लेकर के 25 मार्च के सायंकाल 6 बजे तक आश्रम की बुकिंग है। इसके बाद आश्रम को खाली करना पड़ेगा। आश्रम में सीमित जगहें हैं, अर्थात सीमित कमरे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लें। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक साधक को नियुक्त किया है, उसका नाम है दिलीप कुमार साहू। उसका फ़ोन नंबर है 9971139645 और ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर पर जब आप फ़ोन करेंगे तो वो साधक कुछ बातें पूछेगा आपसे, और आपको भी जो जानकारियां लेनी हो उस साधक से ले लें, अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करा लें। जब वहां आश्रम के अनुसार साधक पूरे हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन जो अभी फ़ोन नंबर मैंने बताया हुआ है या स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। साधको एक बार फिर मैं बता दूं, ये शिविर
अरविंदो आश्रम, रायवाला, हरिद्वार, ये होगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से थ्री व्हीलर या विक्रम जाते हैं, शायद 20 रुपये लेते हैं वहाँ तक का किराया, और पूरा विक्रम यानी 5 लोगों की अगर बुकिंग होगी तो 60 रुपये में वहाँ तक पहुँचाते हैं। खैर, वहाँ जा कर के आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। आप उस आश्रम का पता और उस साधक का फ़ोन नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो डिस्प्ले हो रहा है, जो आप उस नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और उससे भी आप जो जानकारियां लेना चाहे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।